क्लास टेंथ एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है क्वेश्चन, रीड करते हैं। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स 5 मीटर लॉन्ग रोप। फाइंड नंबर वन द एरिया ऑफ द पॉइंट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन गेज। पहले ही पॉइंट को समझते हैं। पहले देखो एक बात समझ लो पहले कि एक फील्ड है, फील्ड का मतलब जो मैदान है घास का एक, ठीक है। उसकी जो साइड दे रखी है वो कैसा है, स्क्वायर साइड का, स्क्वायर शेप का है। तो स्क्वायर का मतलब इधर भी 15 इधर भी 15, चारों साइड जिसकी 15 होंगी, ठीक है। उस फील्ड में एक कोने पर एक घोड़े को बांधा हुआ है, ठीक है, टाइड अ पैग, ठीक है, एक खूंटे से बांधा हुआ है। और उसकी जो लेंथ है, जो उसमें रस्सी है जिससे वो बंधा हुआ, उसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर। तो ये 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक रस्सी से कोई घोड़ा बंधा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो वो यहाँ इस फील्ड में इतने हिस्से पर गेज कर सकता है, मतलब घास चर सकता है। यहाँ से यहाँ तक किसकी रस्सी है, वो इस एरिया तक, सिर्फ यहाँ तक जो दिख रहा है ना ब्लैक ब्लैक, इस एरिया तक वो घास चर सकता है, ठीक है। इसके अंदर भी चर सकता है लेकिन इससे बाहर नहीं जा सकता। समझ रहे हैं ना कि 5 मीटर की रस्सी, मीटर की रस्सी से वो बंधा हुआ है और वो इस ही एरिया तक अपनी घास चर सकता है, इससे बाहर नहीं जा सकता। तो वो यूं कह रहे हैं कि एरिया फाइंड करो किसका, जहां तक ये घास चर सकता है, जो दिख रहा है ये वाला हिस्सा जो मैंने ब्लू कर दिया मार्क, इस हिस्से का एरिया निकालना है हमें, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आ गई ना, इस हिस्से का एरिया फाइंड करना है। तो देखो अब हम क्या करते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर, ये एक सेक्टर बनके तैयार हो गया ना, एक सेक्टर है भाई। अगर इसको मैं यहां से रख के एक प्रकार से एक गोला बनाना चाहूँ तो ये पूरा गोला बन जाएगा, क्योंकि उसकी क्या है, उसकी जो लेंथ है ना रस्सी की, वो 5 मीटर है। 5 मीटर का मतलब उस खूंटे को लेकर उस रस्सी को ऐसा घुमाऊँ ना मैं, तो एक सर्कल बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि एक सर्कल का ये सेक्टर है, अगर मैं इसको घुमा दूँ यूँ करके तो एक उस गोले का, उस सर्कल का एक सेक्टर बन जाएगा ये, ठीक है, जितने में वो गेजिंग कर रहा। तो हमें क्या निकलना, एरिया ऑफ सेक्टर हॉर्स कैन गेज, जहाँ तक वो उसमें घास खा सकता है, इजिकल टू सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसे करते हैं तो इजिकल टू थीटा कितना हमारा, थीटा हमारा देखो ये 90 डिग्री का बन रहा है एंगल, क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर आ रहा है, तो ये 90 डिग्री है। तो थीटा 90 डिग्री और 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना है, जो उसकी रस्सी बंधी हुई है ना वो हमारी रेडियस है, यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 9 4 0 0 कैंसिल, 1/4 तो ये हो गया, मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब देखो 1/4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लें हम, और इसे क्रॉस मैं काट देता हूँ, ठीक है। मैं किससे करता हूँ, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने 3.14 मल्टीप्लाई 25 और डिवाइड कर दूँ 4 से, तो ये आ गया आपका, ये आ गया 19.625 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इतने हिस्से में वो घास चढ़ सकता है, ठीक है, इस खूंटे पे बंधा हुआ है और इतने हिस्से तक वो जा सकता है, ठीक है। रेडियस की 5 सेंटीमीटर दे रखी है, एंगल 90 का बन रहा है, तो इतने हिस्से में यानी कि 19.625 सेंटीमीटर के एरिया तक वो घास को चढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन दूसरे पॉइंट पर क्या कह रहा है वो, दूसरे मतलब सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द इनक्रीज इन द गेजिंग एरिया, अगर उसका गेजिंग मतलब चरने का एरिया को बढ़ा दिया जाए, इफ द रोप वर 10 मीटर, कितना 10 मीटर कर दिया जाए इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर की जगह उसको 10 मीटर कर दिया जाए, यानी कि इसको यहां से कितना कर दिया जाए, 10 मीटर कर दिया जाए। तो 10 मीटर करने का मतलब है कि मैं इसको दूसरा हाफ सेक्टर बनाकर तैयार कर दूं ये, तो ये जो बन के आया मतलब इसकी मैंने, इसकी जो रोप है वो कितनी कर दी, अब ये मैंने 10 मीटर कर दी, टोटल मिलाकर 10 मीटर होगी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। यानी कि अगर उस घोड़े की रस्सी को 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर दी जाए, तो फिर क्या, इंक्रीजिंग एरिया, जो इंक्रीज एरिया आ रहा है उसका, यानी कि इतना सा जो एरिया आ रहा ना, उसका एरिया हमको फाइंड करना है। देखो 5 का कर चुके हैं, पूरे 10 का करेंगे, समझ में आ रहा ना, 5 का कर चुके हैं, 5 का कितना है, 19.625, ठीक है, इतने का निकाल चुके हैं। अगर हम पूरे का निकाल लें, पूरे का निकालने के बाद में और इतना माइनस कर दें उसमें,
पूरे में से इतना माइनस कर दें, समझ में आ रहा ना, पूरे में से शेडेड पोर्शन को माइनस कर दूं तो ये पट्टी जो राइट जो व्हाइट वाली है ये हमें मिल जाएगी, ठीक है। और यही इसका एरिया हमें निकालना है, फाइंड करना। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा, तो क्या करूंगा मैं क्या, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इंक्रीज गेजिंग एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर माइनस का एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। मतलब लार्ज सेक्टर का मतलब अब ये जो बन के आ रहा पूरा पूरा भाई, जो रेडियस थी वो 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर हो गई, समझ में आया ना। उसकी रस्सी को हमने 5 सेंटीमीटर की जगह पर 10 मीटर कर दिया, तो 10 मीटर करने पर जो एरिया बढ़ गया उसका, तो एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर, ये सेक्टर ही तो आया, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर में से क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, ये स्मॉल सेक्टर कौन सा है जो ब्लू वाला, और हमें चाहिए सिर्फ कितने का, मैं इसको अलग कलर से करता हूँ पेंट, तो मेरे को क्या चाहिए, जो रेड रेड सा मैंने शेडेड पार्ट किया है ना, मुझे सिर्फ इतने का चाहिए, ठीक है, इतने का चाहिए, क्योंकि उसने कहा इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग जो एरिया निकल रहा है ना गेजिंग का, सिर्फ उतना ही मुझे एरिया चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर, लार्ज सेक्टर कितना है भाई, फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 पाई आर का, थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर, और माइनस का देखो ये एरिया जो स्मॉल सेक्टर है, स्मॉल सेक्टर के एरिया हम निकाल चुके हैं पहले, मैं इसे डायरेक्ट किसी को लिख ले रहा हूँ 19.625, ठीक है। अब थीटा कितना है, वही एंगल है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर पे बना हुआ है, तो कितना 90 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना है, अब हमारा हो गया 10, समझे ना भाई, 5 से 10 हो गया पूरा पूरा, तो 10 का स्क्वायर माइनस का 19.625, ठीक, 9 4 जा 36, यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, इस पॉइंट को हटा दूँ, नीचे 2 जीरो बढ़ा दूँ, तो ये 100 से 100 कैंसिल, यहाँ कितना 19.625, ठीक, ये कितना बच गया, ये बच गया सिर्फ सिर्फ 3/14 अपॉन में 4, ठीक, और माइनस का 19.625, अगर इससे मैं काटूँ तो ये कट जाएगा कितना, ये कट जाएगा 4, ये कट गया आपका 7.85 माइनस का 19.625, ठीक है, इसको माइनस कर ले, माइनस करने के बाद में जाएगा 58.875, मैंने कैलकुलेटर से कर लिया बेटा, बेटा आप कर लेना, ठीक है, तो कितना आया हमारा, ये आ गया हमारा 58.875 मीटर स्क्वायर, ठीक। ये हमारा वो एरिया निकल के आया है जो हमने, ये लाल वाली पट्टी दिख रही है ना, रेड वाली, इसका इलाका जितना इंक्रीज हुआ था उसका हमने एरिया निकाल दिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।